हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू बैंक एग्जाम थोड़े डॉट कॉम माई नेम इज रमनदीप सिंह एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू फाइनेंशियल अवेयरनेस क्वेश्चन फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2024 वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर योर आई बी एस आर टू स्किल थ्री लेवल एग्जाम कोई भी स्किल टू स्किल थ्री लेवल का एग्जाम दे रहे हो उसके लिए बहुत बहुत इम्पॉटेंट क्वेश्चन हम करेंगे फॉर द मंथ ऑफ मार्च ट्वेंटी सो ऑल द फाइनेंशियल अवेयरनेस क्वेश्चन इंक्लूडिंग द आर गाइडलाइंस आई आर सर्कुलर्स के क्वेश्चन भी इंक्लूडेड हैं इस, इसी क्लास में राइट And we have started the IBPS RRB Scale 2, Scale 3 course in which we are providing video classes, notes, quizzes, test series, live sessions. Everything is available in the course. Link to join the course is available in the description. If there is any doubt in your mind, this is our WhatsApp number where you can ask your doubts and we are going to answer your doubts. Okay. My name is Ramandeep Singh. I hope you know me. <laughs> I've been teaching on bank exams for right from last 12 years, right? So uh, let's start the session. विदेक्टिव डेट ऑफ ए ऑफ फिन के स्मॉल फाइनेंस बैंक विद एयू फाइनेंस बैंक पहले तो पता होना चाहिए कि फिनकेर स्मॉल फाइनेंस बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ये मर्ज होने वाले राइट सो दैट इज इंपॉर्टेंट इफेक्टिव डेट मर्जर की है फर्स्ट ऑफ एप्रिल ट्वेंटी ट्वेंटी फोर सो यह याद रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन से बैंक मर्ज हुए राइट नैशनल ऑर्गेनाइजेशन नेशनल वर्कशॉप वो ऑर्गेनाइज ने वर्कशॉप ऑन लॉजिस्टिक एफिशियंसी एनहांसमेंट लॉजिस्टिक एफिशिएंसी एनहांसमेंट पे वर्ल्ड बैंक ग्रुप एंड डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड डी ने मिलकर करा रही है राइट ऑन ट्वेंटी सेवन फेब्रवरी को हुआ हम ये क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं बिकॉज ऑल द क्वेश्चन ऑल द इवेंट्स ऑल द कमेटीज ऑल द प्रोडक्ट्स बाई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बाय गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और मिनिस्ट्रीज दे आर इम्पॉर्टेंट दे एग्जाम वो पेपर में पूछे जाते हैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कोई प्रोडक्ट लॉन्च uh, कर रही है uh, या फिर उन्होंने कोई हैकाथॉन किया है कोई वर्कशॉप करा है वो उतना रेलिवेंट नहीं है वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है पेपर में नहीं पूछते राइट हुर द रिवाइज बी बी पी एस फ्रेमवर्क एप्लीकेबल टू इट इज एप्लीकेबल टू एन पी सी आई भारत बिल पे लिमिटेड एंड भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट्स राइट दिस न्यू फ्रेमवर्क इज एप्लीकेबल टू दैम इसको थोड़ा सा याद रखें ठीक है द मेन एम ऑफ डायरेक्टिव इशूड बाई आर बी आई टू कार्ड नेटवर्क आर बी आई का सर्कुलर है इम्पॉर्टेंट है डिटेल में मैंने करा हुआ है ऑलरेडी बेसिकली इसमें क्या है कि कस्टमर्स आर गोइंग टू चूज कि कौन सा कार्ड चाहिए आपको वीजा का, का कार्ड चाहिए आपको वीजा का कार्ड चाहिए मास्टर कार्ड चाहिए, master कार चाहिए राइट uh, right, आपको रुपए कार्ड चाहिए यू आर गोइंग टू चूज आपको एक चॉइस मिलेगी कि आपको कौन सा कार्ड चाहिए सो so, uh, you know, कस्टमर्स आर गोइंग टू गेट द चॉइस एज पर दू नो द सर्कुलर इट इंश्योर्स ग्रेटर चॉइस एंड फ्लेक्सीबिलिटी फॉर द कस्टमर्स ठीक है ये आर का सर्कुलर थी, है डीपली करवाया लेकिन मेन तो यही था कि चॉइस मिलनी चाहिए राइट अंडर द अमेंडेड एफ डी आई पॉलिसी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वॉट परसेंटेज ऑफ एफ डी आई इज अलाउड इन स्पेस सेक्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर स्टूडेंट जो है मिस कर देते हैं हंड्रेड परसेंट इट इज अलाउड नाउ बेसिक क्वेश्चन करना चाहिए हंड्रेड परसेंट याद रखें इसको यू डी जी एम अगेन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन एग्जाम यू डी जी एम मीन्स अनक्लेम्ब डिपॉजिट गेट वे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन सो इट इज अ डेटा वेयर हाउस फॉर ऑफ द आर बी आई डेटा वेयर हाउस ऑफ आर बी आई इट इज़ अ सेंट्रलाइज्ड वेब पोर्टल डेवलप बाय आर बी आई टू यू नो गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द अनक्लेम्ड डिपॉजिट सो इट इज़ अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेट वे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन यू डी जी ए एम वेरी इंपॉर्टेंट अब कोई भी एग्जाम दे रहे हो स्केल टू तो, स्केल थ्री लेवल का दो तीन क्वेश्चन ये फुल एक्सपेंड करने के आते ही आते हैं सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू राइट who has npci entered into an agreement uh, with for cross-border upi transaction, that is the phone pay payment system in nepal. so in nepal hai, uh, Nepal may be a upi chalega, right? so uh, the nipl, uh, the nipl international payments entered into agreement with phone pay payment service, so nepal may be upi chalega, right? cross-border transaction, hope india nepal, ke beach. very good.

सो टी प्लस जीरो साइकिल इंट्रोड्यूस हो चुका है काफ़ी स्टॉक्स में द सेम डे सी वेन यू सेल योर स्टॉक्स वेन यू सेल स्टॉक्स और शेयर्स आप बेचते हो सो यू यूज टू गेट मनी टू डेज टी प्लस टू हुआ करता था राइट देन टी प्लस वन के बाद अभी टी प्लस ज़ीरो दैट मीन्स सेम डे को आपको आपके पैसे मिल जाएंगे जब आप स्टॉक सेल करते हो तो सेम डे पे आपको आपके पैसे मिल जाएंगे इन्वेस्टर रिसीव मनी इन द डी मैट अकाउंट ऑन द नेक्स्ट ट्रेडिंग डे ये करंट प्रोसेस है टी प्लस हो के बाद सेम डे पे मिल जाएगा व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स टू होम स्मॉल एंड मीडियम रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कैन इशू यूनिट लेटेस्ट अपडेट एटलीस्ट टू हंड्रेड इन्वेस्टर्स होने चाहिए विद द फॉर विद द स्मॉल एंड मीडियम रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के पास कम से कम 200 जो हैं इन्वेस्टर्स हों एंड दे मस्ट बी इन्वेस्टिंग 50 करोड़ रुपीज़ फॉर स्मॉल एंड मीडियम आर ई ओके हु हैज़ एस बी आई एंटर्ड विद स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फॉर यू पी आई पेमेंट्स वन नाइनटी सेवन सब पे टी एम पे टी एम के साथ राइट सो पे टी एम इट्स गोइंग थ्रू अ रफ पैच बहुत बुरे टाइम से गुजरहा है पे टी एम पे टी एम पे पेमेंट बैंक बंद ही हो चुका है एक तरह से बट एस बी आई एंटर्ड इन टू अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद फॉर यू पी आई पेमेंट्स विद वन नाइनटी सेवन विच इज़ द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पे टी एम वॉलेट हु साइंड वन एटी वन मिलियन डॉलर अग्रीमेंट ऑन थर्टीन ऑफ मार्च ये क्वेश्चन फ्रेम ही अच्छा किया हुआ है लेकिन यहाँ पे यू नीट टू रिमेंबर वन एटी वन मिलियन डॉलर लोन अग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द एशियन डेवलपमेंट बैंक ये क्वेश्चन बहुत आते हैं कि किससे लोन लिया वन एटी वन डॉलर्स का एंड वॉट इज द गोल पर्पज़ क्या है सो परपज़ है जो सब अर्बन सेमी अर्बन एरियाज हैं इन दिन इन गुजरात राइट Uh, for development of those regions to enhance urban livability, urban livability and mobility in semi-urban areas, 181 billion dollar loan agreement has been signed. The omnibus framework uh, issued by RBI contains broad parameters for what this is an RBI circular. बस फ्रेमवर्क जो जो रिलीज किया था आरबीआई ने दट इज फॉर रिकोगनाइजिंग सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन एस आर ओस के को रिक्नाइज करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए एक डिपार्टमेंट होना चाहिए फॉर सेल्फ रेगुलेशन वट इज अमम प्रिस्क्राइब नाव दैट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वट इज अम प्रिस्क्राइब कैपिटल टू रिस्क वेटेड Assets ratio that regional rural banks are expected to maintain. So, the CRR if they are expected to maintain is 9%. 9% the RRBs are expected to maintain. Who is providing the foreign currency loan to NTBC as of the moment? The Japan Bank for International Cooperation. As per the news, they are providing the foreign currency loans, right? Uh, which bank won the exclusive co-branding rights for three metro stations in Delhi? Not very important. Bank of Baroda got that, but what important name? What percentage of ICICI securities minority shareholders voted in favor of delisting and merger with ICICI Bank? 71.9% uh, shareholders of ICC securities said that ICC Securities co ICC Bank Memilado. एम टी एस एस स्टैंड फॉर वॉट मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम दिस इज अगेन है आरबीआई का सर्कुलर लग नहीं रहा है लेकिन ये सर्कुलर है सर्कुलर में उठाया मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम वॉट इज मनी ट्रांसफर सर्विस सर्विस स्कीम इसका पर्पज क्या है टू अलाउ पर्सनल रेमिटेंसेज फ्रॉम अब्रॉड टू बेनिफिशरीज इन इंडिया बाहर से पर्सनल रीजन के लिए अगर आप इंडिया में पैसे भेजना चाहते हो देन यू यूज एम टी एस एस उसी पर्पज के लिए यू गु यूज एम टी एस एस ओके विच सिस्टम इज यूज फॉर सबमिटिंग क्वार्टरली remittances स्टेटमेंट अंडर द एम टी एस एस एम टी एस एस में जो भी ट्रांजेक्शन uh, हुई हैं उसकी रिपोर्ट भेजने के लिए सी आई एम एस जो प्लेटफॉर्म है उसे यूज किया जाता है सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम सी आई एम एस का फुल फॉर्म विच आर द फॉलोइंग कार्ड नेटवर्क इज नॉट कंसिडर्ड एज ऑथोराइज कार्ड नेटवर्क सी बेसिकली गोइंग वो गेट एन ऑप्शन कि कौन सा कार्ड नेटवर्क चूज करना है आपको आपको वीज़ा का कार्ड चाहिए मास्टर कार्ड चाहिए या आपको रुपए कार्ड चाहिए सो डिस्कवर कार्ड का ऑप्शन नहीं मिलेगा राइट right? रुपए का मिलेगा मास्टर कार्ड और वीज़ा का मिलेगा और शायद अमेरिकन एक्सप्रेस भी मिलेगा दैन डाइना क्लब भी मिलेगा राइट डिस्कवर कार्ड इज़ नॉट एन ऑप्शन विच इज़ द इफेक्टिव वॉट इज द इफेक्टिव डेट फॉर डायरेक्शन रिगार्डिंग द कस्टमर चॉइस ऑफ नेटवर्क सिक्स मंथ फ्राम द डेट ऑफ सर्कुलर उतना इम्पॉर्टेंट अब है नहीं ये विच कार्ड नेट कार्ड नेटवर्क इज एग्जैम्प्ट फ्राम दीज गाइडलाइंस कौन सी गाइडलाइंस ये कस्टमर चॉइस ऑफ कार्ड नेटवर्क वाली गाइडलाइंस है जिसके दस लाख ,00 से कम एक्टिव कार्ड्स हैं दोज कार्ड नेटवर्क आर एगजटेड दौज कार्ड नेटवर्क आर एग्जेम्पेड जिसके दस लाख ,00 से कम कस्टमर्स हैं एक्टिव एज ऑफ द मोमेंट दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू गिव द ऑप्शन टू दे कस्टमर्स वट इज द न्यू पेनल्टी फॉर कार्ड इशुअर्स हू फेल टू कम्पलीट द कार्ड क्लोजर प्रोसेस विद इन सेवन वर्किंग डेज ऑफ फाइलिंग द रिक्वेस्ट टू क्लोज अ कार्ड कार्ड क्लोजर का आपने रिक्वेस्ट डाल दिया अगर नहीं कार्ड क्लोज हुआ फाइव हंड्रेड रुपीज पर डे ऑफ द डीले पर कैलेंडर डे ऑफ द डीले दे नीड टू पे यू द फाइन पांच सौ रुपये पर कैलेंडर डे का आपको फाइन पे करना पड़ेगा जो कार्ड कंपनी है एंड दैट्स ऑल दैट वॉज अ प्रिटी शॉर्ट सेशन विद इन इलेवन मिनिट्स वी फिनिश्ड इट Uh, IBPS RRB scale 2 scale 3 course. Student, it's available on bank .com. This is the best course available online, right? Uh, we got a lot of selections in the previous year. Majority of the selections in the scale 2, scale 3 level exams are from bank exams today. Our study material is the most reliable study material. a bank exams study.com you just go through the demo study material. This is a demo class, list of our successful students in the past. All these students that took our courses in the past and they cracked their respective exams. And I'm really, really happy for them. All these students that took our courses in the past and they cracked their respective exams. And I'm really, really happy for them. And you can be one of them in the future. So if there is any doubt in your mind, always ask your doubts. My WhatsApp number is always available. This is my WhatsApp number. Where you can ask your doubts, and we are going to answer your doubts. And that's all for today, students. Thank you and have a very nice day. Bye bye.